इस साल शायद ही हरियाणा में पराली जलाने की कोई घटना देखने को मिले, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को 50% की दर से ऐसी मशीनों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल 216.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुए एक समीक्षा बैठक में दी। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई, गत वर्ष पराली प्रबंधन के लिए बेलर व अन्य प्रकार की 24,705 मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी और इस वर्ष 13,000 मशीनों के बिल अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1,031 कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या और खुलने के साथ ही 3831 हो जाएगी। पिछले वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर में पराली प्रबंधन के लिए 6 यंत्रों वाली मशीनें, जो इस वर्ष 3 यंत्रों वाली सुपर कटर वाली नई मशीनें लाई गई हैं। बैठक में इस बात से भी अवगत करवाया गया कि जो किसान अपनी पराली को बेचना चाहता है उसके लिए नया पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर खरीदने वाले ठेकेदार व उद्योग की जानकारी भी उपलब्ध होगी। सरकार ने 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पहले ही उपलब्ध करवाए हैं। हरेड़ा के माध्यम से भी बायोमास ऊर्जा के लिए पराली का उपयोग किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।